मैं आ चुका हूँ फिर से आपके लिए पॉकेमॉन फायर एश की वीडियो लेके, उसका सेकेंड एपिसोड। और आप पहले मेरा पॉकेमॉन का लेवल देख लो। मैंने थोड़ी ट्रेनिंग किया था ऑफलाइन मोड में। पिकाचू का हो चुका है 10, पिजियोट का हो चुका है 11 और कैटापी का हो गया है 5। पिजियोट को आगे रख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई वाटर टाइप पॉकेमॉन है नहीं। अभी ब्रॉक से जिम बैच करनी है इसलिए। तो अभी चलते हैं हम अपने जिम पे ब्रॉक से लड़ने। और गाइस आप सोच रहे रहेंगे मैं इतने टाइम बाद वीडियो क्यों ला रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। मैंने बोला था कि मैं 2 दिन में लाऊंगा एक वीडियो, पर अब सॉरी कुछ कर नहीं सकते। एग्जाम आ गए थे तो इसलिए अभी 2 हफ्ते बाद वीडियो आ रही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। और गाइस थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, इसको भी थोड़ा सा इग्नोर कर लेना प्लीज। चलो अब चलते हैं जिम में। और देखो लगता है इस बच्चे को फाइट करने की अपने से। ऐसा लगता है आज कि ये बच्चा तुमसे मुकाबला करना चाहता है। बढ़िया, जिम मुकाबले से पहले अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ब्रॉक का चेला, इस बच्चे को तो बहुत बुरी तरीके से धोएंगे अपन। चलो फटाफट फाइट शुरू करते हैं। इसके पास है रायहॉन, हम पिजियोट यूज करेंगे और लेंगे फाइट और गस्ट अटैक। गस्ट लग गया। पता है गाइस ये मैच में मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरा पिजियोट का अटैक अभी बहुत मिस हुआ है। ये फ्यूरी अटैक मारा था, इसका फ्यूरी अटैक इतना लगा नहीं, पर ये हिट दे रहा था। फ्यूरी अटैक 3 हिट 5 हिट ऐसे हिट दे रहा था। अभी मेरा अटैक देखो आगे मिस होगा, तुम देखते रहो बस। देखो इतना इफेक्टिव नहीं है। अभी रायहॉन यूज़ करेगा पिजियोट यूज़। अभी पिजियोट से एक बार मैंने क्विक अटैक दिया, अभी रायहॉन अभी अपना फ्यूरी अटैक यूज़ करेगा। और अभी सैंड अटैक यूज़ करेगा, इसके बाद अभी अटैक यूज़ करेगा ना फ्यूरी अटैक, तो उसके 5 हिट लगेगा और मेरा है ना मेरा अटैक भी मिस हो जाएगा। मतलब मेरा अटैक अभी मिस होते रहेगा बार बार। देखो मेरा अटैक मिस हो गया, रायहॉन ने भी फेल। ये तो बकवास अटैक है। फिर मैंने यूज़ करा गस्ट तो फिर से मिस हो जाएगा। नहीं लग गया इस बार। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, और इतना इफेक्टिव नहीं है। फिर फ्यूरी अटैक इस बार 5 हिट पड़ेगी। देखो बहुत बुरी तरीके से पिजियोट को 5 हिट पड़ेगी। दूसरी चौथी मतलब 5 की थी, सॉरी मैंने सही से गिना नहीं। फिर से मिस हो जाएगा मुझे लग रहा है। मिस हो गया जैसा बोला था। स्कॉट सैन अटैक से कुछ डैमेज नहीं हुआ, पर एक लास्ट क्विक अटैक देके ख़त्म हो जाएगा अभी ऐसा लग रहा है। पर सैन कस्ट अटैक दे देते पर क्विक अटैक देने से अच्छा, पर वो भी मिस हो ही गया। अब इसके बाद मैं क्विक अटैक ही देता हूँ क्योंकि गस्ट अटैक तो मिस हो जाता है मेरा 2 बार, और मैं एकदम मेरी एकदम हालत ख़राब कर देता है उसके लिए। मैं फटाफट गस्ट अटैक से ख़त्म कर देता उसको। मेरे को 98 एक्सपी मिलता है और फिर जॉब का लेवल भी बढ़ जाता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट पोकेमोन है जियोडूट। फिर मैं सोचता हूँ कि बदल लूँ, पर मिल तो रहने दो। जो अपना हेल्थ है वो मार लेगा मेरे को लगता है। फिर मैं गस्ट अटैक क्विक अटैक यूज़ करता हूँ सबसे पहले, वो मिस हो जाता है। मेरे को समझते नहीं क्यों मिस होते हैं मेरे अटैक। अब बताओ क्यों मिस हो रहे, मेरे को समझ में नहीं आता। फिर मैं जाता हूँ और फिर से मैं लेता हूँ क्विक, पर इस बार मिस हो जाता है फिर से। जो डूट नहीं कुछ जियो रूट को मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। फिर से मैं लेता हूँ अपना क्विक अटैक, पर एक बार लग जाता है। क्विक अटैक का इतना डैमेज भी नहीं करता है, इतना इफेक्टिव भी नहीं क्विक अटैक। फिर मैं लेता हूँ जियो रूट उसके साथ फोकस एनर्जी, फिर मैं लेता क्विक अटैक, पर मेरा अटैक क्या पता क्यों इतना मिस हो रहा है मेरे को बताओ। मेरे को समझ ही नहीं रहा, बार बार मिस हो रहा है। समझ भी नहीं आ रहा मिस बोलूँ या ना बोलूँ, मिस हुआ या नहीं हुआ। मिस अभी लग गया फिर से, इतना इफेक्टिव नहीं है। मिस क्यों हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, मिस हो जा रहा है बार बार अटैक या पता क्यों। फिर मैंने क्विक अटैक दिया पर लग गया। चलो इस बार पर एक और क्विक अटैक और ये ख़त्म। पर मेरे को लग रहा था कि ना पिजियोट मर जाएगा। देखो उसकी HP 10 बची थी और मैंने क्विक अटैक दिया, ये मिस हो गया। मेरे को लग रहा था अब जियोडूट खा जाएगा, पर जियोडूट ने मारा नहीं, उसने कौन था अटैक यूज़ करा सॉरी मैंने देखा नहीं। फिर मैं यूज़ करता हूँ क्विक, फिर मिस हो जाता है। अब तो लग रहा था अब तो कन्फर्म ही मर जाऊंगा मैं, अब तो जी टूट खा ही जाएगा। मैं यूज़ करता हूँ पर इस बार लग जाता है, जियो डूट कुछ नहीं कर पाता है मेरा। मैं मार देता हूँ जियो डूट को। मैं फटफट एक्सपी लेता हूँ
फटाफट एक्सपी लेता हूँ और फटाफट कॉइन लेता हूँ, विन कॉइन जो मेरे को मिले, विन कॉइन जीत के फटफट ले लेता हूँ, वो मैं ले लिया मैंने। अभी मैं इतना नल लूँ, आपको तो पता ही है मैं कितना नल लूँ, इसलिए मैं जाता हूँ रिवर्स पोकेमोन हील करवाने। मेरे में इतना दम है नहीं कि मैं मार लूँ ऐसी कम हील वाले पोकेमोन से, क्योंकि मेरा एक ही तो सहारा है पिजी, और पिकाचू तो ऑनिक्स का कुछ कर भी नहीं सकता, ऐसी खा जाएगा ऑनिक्स पिकाचू को। तो मैं फिर जाता हूँ अपना पोकेमोन सेंटर, और फिर जाने के बाद मैं हील करा देता हूँ अपने पिजियोट को, क्योंकि मेरे को भरोसा था नहीं मेरे पिकाचू पे। फिर भी मतलब थोड़ा भरोसा तो है, पर इतना नहीं, क्योंकि पिकाचू का मेरा एक न्यू अटैक खुला है, ट्रेनिंग करा जाता हूँ डबल किक, तो मेरा डबल किक अटैक है, पर मेरे को इतना भरोसा तो नहीं है। फिर भी देखो अब मैं आगे क्या करूँगा, तुम सोच भी नहीं सकते मैं ऐसा कुछ करूँगा। फिर मैं जाता हूँ अभी नल्ली हरकतें करके अपना पोकेमोन हील करा के, मैं जाता हूँ फिर से ब्रॉक को चैलेंज करने। मैं जाता हूँ फटाफट अंदर जाता हूँ, इसके चेले को तो मैंने निपटा दिया हूँ, इसके चेले से लड़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैं ब्रॉक से भी फाइट लेता हूँ, ब्रॉक से बात करके ये हो गई मैच चालू। अब सिलेक्ट करने का तबक में तो मैं फर्स्ट की ड्यूटी लूँगा, सेकेंड लूँगा पिकाचू, फिर कन्फर्म, फिर मैं करता हूँ मैच ब्रॉक, टीम लीडर ब्रॉक, जियो डूड भेजते हैं ब्रॉक। सबसे पहले मैं भेजता हूँ अपना पिजियोट, सबसे भरोसे लाइक पोकेमोन, गस्ट अटैक लगा एकदम अच्छा डैमेज, सुपर इफेक्टिव लग रहे हैं वो, सुपर इफेक्ट नहीं ये तो दिखा रहे इतना सबसे इफेक्टिव, ऐसा क्यों ये समझो कितना डैमेज दिया, पर ये दूसरे गस्ट में अटैक मेरे को तो लग रहा है सुपर इफेक्टिव अटैक है, पर ये दिखा रहा है इज नॉट इफेक्टिव अटैक, क्या पता क्यों इफेक्टिव, सॉरी मैं जो क्या बोल रहा हूँ तो चला रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। फिर मैं देखो मैंने बोला था आपने सोचे भी नहीं रहेगा मैं क्या करूँगा, मैं चेंज करता हूँ अपने फायर को बुलाता हूँ और मैं लड़ता हूँ फायर से, ऑनिक्स और फायर की मैच कराता हूँ, और डबल किक अटैक यूज़ करता हूँ मैं, डबल किक एक बार यूज़ करता हूँ। डबल किक का क्या फ़ायदा है, जैसे कि वो फ्यूरी अटैक में डबल मारते हैं ना डबल हिट, वैसे डबल मतलब फ्यूरी अटैक में डबल हिट फाइव हिट ऐसा होता है ना, तो इसमें टू हिट करता है मतलब ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, एक साथ दो अटैक जितना वो मारता है, एक बार मारेगा और एक बार मारेगा और ऐसा होता है, तो वो अच्छा अटैक है डबल किक पिकाचू के लिए। इसको मैं पॉइजन कर देता हूँ ऑनिक्स को, तो ऑनिक्स को पॉइजन करके फिर मैं डबल किक मारता हूँ, सुपर अटैक सुपर इफेक्टिव दिखा रहा है ऑनिक्स, तो बस मर नहीं आ रहा क्योंकि वो पॉइजन भी पड़ा है, और ऑनिक्स पे भी मैं डबल किक यूज़ करूँगा तो ऑनिक्स तो ऐसे ही मर जाएगा। ऑनिक्स पे डबल किक अभी मैं फिर से यूज़ करूँगा, मेरे को लगता है मर जाएगा, पर यह बचता है अभी 1 HP एकदम। फिर अभी ऑनिक्स अपना अटैक करेगा, ये तो टू जाएगा, टू ही हिट जाएगा, ऑनिक्स टैकल यूज़ करता है। मैं फिर मेरे दिमाग में ना थोड़ी चुलचुली होती है, मैं सोचता हूँ कि थंडर शॉक या थंडर बोल यूज़ करके देखता हूँ कि मर जाएगा, इतना सा तो 1 HP बचा है, पर मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं है, थंडर बोल्ट अटैक लगता ही नहीं मेरा, मतलब फिर मैं बोलता हूँ ज़्यादा रोल लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थंडर शॉक मार देता, हो सकता है इससे मर जाए, फिर भी नहीं लगता तो फिर मेरा दिल टूट जाता है, और मैं चुपचाप से डबल किक अटैक यूज़ करता हूँ अभी पिकाचू का, और ऑनिक्स को निपटा देता हूँ और ख़त्म करके रख देता हूँ। और सॉरी गाइस इतना लेट वीडियो डालने के लिए, अब से हो सकता है मैं रेगुलर वीडियो डालूँ, कोशिश तो करूँगा, देखते भी आगे क्या होता है। अभी मैं ब्रॉक से जिम बैच जीत लेता हूँ, ये बैच का नाम है बोल्डर बैच, वो तो लगता है स्टोन बैच था, नहीं बोल्डर बैच है, बोल्डर बैच आ गया अपने पास, चलो अब चलते हैं आगे। वैसे तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ एक बात, और आप बोलेंगे इतने टाइम बाद लाया एपिसोड पहले तो, और देखो बस छोटा सा एपिसोड, थोड़ा एडजस्ट कर लो गाइस, इसमें जाते जाते जियो डूट से भी मिल लेता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज़, 9 मिनट का एपिसोड थोड़ा छोटा है, एडजस्ट कर लो, मैं अभी लाऊँगा रोज़ वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, तो एडजस्ट कर लो, छोटा थोड़ा सा एपिसोड है, मैं बना नहीं पाया इतना टाइम नहीं मिला। अभी नेक्स्ट एपिसोड में अपन क्या करेंगे, फॉरेस्ट नहीं मतलब ये रास्ता पार करेंगे सिटी का और जाएंगे सेरुलेन सिटी, क्या है इसका नाम मेरे को याद नहीं गाइस, वहाँ पे जाके मिस्टी से लड़ेंगे और अपना वाटर बैच लेंगे। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय बाय।
करूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना, पकड़ना उनको मेरी परीक्षा, सिखाना लक्ष्य मेरा।